जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है सुपर माइंड ध्यान योग ध्यान योग और सुपर माइंड का क्या संबंध है और यह सुपर माइंड क्या चीज है और अरविंदो श्री अरविंदो जिनकी आज एक सौ पचासवीं वन बर्थ एनिवर्सरी है उनका जन्म दिवस है आज उनकी विचारधारा पर हम आज ध्यान दे रहे हैं उनकी विचारधारा को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं उनकी फिलासफी को तो चलिए ध्यान योग का कोर्स 19 अगस्त जन्माष्टमी के दिन से शुरू होना है यह कोर्स का निश्चय जन्माष्टमी के दिन से ही किया गया है लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जन्माष्टमी के दिन हम थोड़ा ज्यादा व्यस्त रहेंगे क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व जो है वो अलग अलग तरीके से मनाया जा, जाता है तो कहीं पर लोग रात को ज्यादा बिजी होते हैं कहीं पर रात दिन और कहीं किसी बड़े कार्यक्रम में फंसे हैं तो दिन रात दोनों बिजी रहते हैं द्वारिका के अंदर जन्माष्टमी हमेशा एक दिन बाद मनाई जाती है अगर 18 तारीख को है तो 19 तारीख को मनाई जाएगी बहुत सारे लोग इससे संबंधित प्रश्न भी पूछते हैं तो इस सब माहौल को देखते हुए जो ध्यान योग का कोर्स है वो 20 तारीख को ही शुरू किया जाएगा 20 अगस्त को ही शुरू किया जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि 19 तारीख को हम ज्यादा व्यस्त रहेंगे या हमारा उपवास रहेगा तो शायद हम जो भी आप वीडियो भेजेंगे हम उसको सही से ग्रहण ना कर पाए ना देख पाए और समय से नहीं देखेंगे तो हमें विलंब होगा तो चलिए एक दिन और इस बात को ध्यान में रखने के लिए लेकिन कार्यक्रम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में है जन्माष्टमी का ध्यान रखते ही वही इसे उन्नीस तारीख से किया गया था लेकिन यह भी बात सही है कि जन्माष्टमी में लोग व्यस्त होते हैं बिजी होते हैं कुछ लोग व्रत उपवास करते हैं कुछ लोगों के कार्यक्रम होते हैं तो कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए जो कोर्स है वो 20 तारीख को शुरू किया जाएगा 19 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को तो सुपर माइंड आज श्री अरविंदो श्री अरविंदो का की वर्ष गांठ गांठ है आज उनकी 150वीं जन्म उत्सव है बर्थ एनिवर्सरी है तो अरविंदो ने ये सुपर माइंड की फिलासफी दी थी अब एक बात हम औरविंदो की विचारधारा की विशेषता क्या है अरविंदो की विचारधारा उस समय जिस समय अरविंदो हुए उस समय पूरे यूरोप के अंदर एग्जिस्टेंशियलिज्म का की विचारधारा फैल रही थी एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या था अस्तित्ववादी विचारधारा अस्तित्ववादी विचारधारा क्यों आई थी क्योंकि यूरोप के अंदर दो दो वर्ल्ड वार हो चुके थे और दो वर्ल्ड वार ने मानव समाज को बहुत झकझोर दिया था लोग जो थे होमलेस हो गए थे बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था ऐसी स्थिति से वो गुजर रहे थे बहुत सारे लोग अपने लाइफ को मीनिंगलेस समझ रहे थे कि भाई हमारे जिंदगी में तो कुछ रखा ही नहीं है सब बेकार है हमारा जीवन व्यर्थ चला गया ये इस चक्कर में ये बड़े बड़े नेता अपने युद्ध अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते ठीक है तो ये वर्ल्ड वार जो हुआ उसमें ना जाने कितने लोग की जिंदगी बर्बाद हो गई कई लोग जो वर्ल्ड वार टू में जो या फर्स्ट में जो भारत से जो ब्रिटिश आर्मी के सपोर्ट में लड़ने गए थे वो कोई फ्रांस में रह गया कोई जर्मनी में रह गया कोई कहीं रह गया वहां से आ ही नहीं पाया तो ठीक ठीक है धीरे धीरे बाद में वो सेटल हुए लेकिन होमलेसनेस की फीलिंग मीनिंगलेस की फीलिंग ये सब बहुत ज्यादा लोगों के अंदर आ गए थे। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का इम्पॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि ह्यूमन सेंट्रिक और उस समय जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो फिलोसफर्स थे उन सब ने जो है ह्यूमन सेंट्रिक फिलासफी दी ह्यूमन सेंट्रिक मतलब मानव केंद्रित फिलासफी अस्तित्ववादी फिलासफी दी और अस्तित्व की परिभाषाएं दी और अस्तित्व की परिभाषा में उन्होंने सबसे बड़ी बात रखी कि इवॉल्व इवोल्यूशन अगर कोई इवॉल्व कर रहा है तो उसका अस्तित्व है नहीं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है वो एक पशु के समान उसका जीवन है निर्जीव वस्तुओं की तरह वो आदमी है अगर वो इवॉल्व नहीं कर रहा अपने आप को विकसित नहीं कर रहा तो क्योंकि वो चाहते थे कि मनुष्य बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान देने के बजाय गॉड पर ध्यान दे या बड़ी बड़ी फिलासफी पर ध्यान दे उससे ज्यादा अच्छा है कि वो मानव पर ध्यान दे ह्यूमन सेंट्रिक हो जाए मानव केंद्रित हो जाए मानव केंद्रित हो जाए क्योंकि जो वेस्टर्न फिलासफी थी वो मानव केंद्रित नहीं रह गई थी ये सबसे बड़ी समस्या थी पाश्चात्य दर्शन के साथ अगर आप लॉजिकल और रेशनल की बात करेंगे कि कौन ज्यादा लॉजिकल है भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में तो ज्यादा तार्किक है वेस्टर्न फिलोसफी ज्यादा लॉजिकल है लेकिन वो लॉजिकल कुछ एक्स्ट्रा लॉजिकल की कैटेगरी में चला जाता है एक्स्ट्रा लॉजिकल की कैटेगरी में चला जाता है और एक्स्ट्रा लॉजिकल की कैटेगरी में जाने के कारण वो आम मनुष्य से अपना संबंध तोड़ देता है उसका कोई संबंध आम मनुष्य से नहीं रह जाता फिर जैसे कि बहुत सारे जो रेशनलिस्ट फिलासफर हुए जैसे स्पिनोजा हुए उन्होंने पैंथेजम की फिलासफी दी थी कि ईश्वर संबंधी फिलासफी जितने भी रेशनल फिलासफर थे सबने गॉड की फिलासफी दी थी उसके पहले भी गॉड को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई थी लेकिन उनमें मनुष्य को केंद्र नहीं बनाया जा रहा था यही अगर आप भारतीय दर्शन का अध्ययन करोगे इंडियन फिलॉसफी को पढ़ोगे तो यहां पर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ब्रह्म की बातें हैं कैवल्य की बातें हैं स्वरूप की बातें हैं लेकिन इनकी विशेषता ये थी कि ये एक मार्ग देते थे ये सिर्फ बताकर नहीं छोड़ देते थे वेस्टर्न फिलासफी की प्रॉब्लम थी कि वो लॉजिकली हर चीज को बताते थे वो तर्क से हर चीज को बताया करते थे लेकिन भारतीय दर्शन में मार्ग देने की परंपरा थी कि योग का मार्ग है आप योग के मार्ग को अपनाइए योग का अभ्यास कीजिए धारणा ध्यान समाधि कीजिए आपको अनुभव होगा आपको एक्सपीरियंस होगा डिविनिटी का आपको दिव्यता का अनुभव होगा आप ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन तो ये जो सुप्रामेंटलाइजेशन था और विंदो का सुप्रामेंटलाइजेशन वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन था कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए आप अपने आप को बदलिए ठीक है आप अपने आप को इवॉल्व कीजिए विकसित कीजिए तो अरविंदो की विचारधारा में भी आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म दिखाई देगा अस्तित्ववाद थोड़ा सा दिखाई देगा अस्तित्ववाद क्योंकि ह्यूमन सेंट्रिक यहां पर अगर योगशास्त्र भी है पतंजलि का तो ह्यूमन सेंट्रिक है वहां पर एक मनुष्य के लिए बात कही जा रही है कि एक आदमी अगर योग करता है तो उसके जीवन की समस्याओं का समाधान होगा तर्क से बात प्रमाणित नहीं की जा रही है अगर आदि गुरु शंकराचार्य ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं तो ठीक है लॉजिक बहुत सारे दे रहे हैं तर्क दे रहे हैं वो इस संदर्भ में लेकिन साथ ही साथ वो योग का मार्ग भी बता रहे हैं कि आपको ध्यान का मार्ग जो चार चीजें बताई गई अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो निधि ध्यास्तव्यो कि तुम्हें इस तरह से तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभ्यास करना पड़ेगा मतलब आदमी को कुछ करने के लिए दिया जा रहा है लेकिन वेस्टर्न फिलासफी में इसी चीज़ की कमी थी अगर इमैनुअल कांट ने अपनी कोई बहुत रेशनल फिलासफी दी वन ऑफ द मोस्ट फेमस और इंटेलेक्चुअल और रेप्यूटेड जिसको माना जाता है मॉडर्न फिलासफी में इमैनुअल कांट को माना जाता है तो इमैनुअल कांट ने अगर कोई बहुत कंक्लूडिंग और ऐसा लॉजिक दिया कि जो शायद कोई उसे काट ना सके फाइनली हीगल जो कि काल मास का गुरु था हीगल ने जर्मन फिलासफर जो हीगल था उसने फिर उसको काटा था कुछ दूसरी थ्योरी देकर उसने एक उस बात को काटने की कोशिश की थी लेकिन कांट ने कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया था इमैनुअल कांट ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी थी वेस्टर्न फिलासफी में कि उसके आगे अब कोई फिलासफी लोग छोड़ दिया करते थे कि भाई इसके आगे हम नहीं सोच पाएंगे जितना इस व्यक्ति ने सोच लिया है लेकिन सिर्फ तर्कों का एक पुल था लॉजिक्स का एक पुल बांध दिया था उसमें एक परफेक्शन थी यह बात सही है लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं दिया जा रहा था कि आम आदमी ये जो बातें कह रहा है जो भी ये बातें समझा रहा है तर्क से तो समझ में आ रही है बातें ठीक है लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हो रहा है मनुष्य का विकास क्या हो रहा है बस इसी बात को लेकर वर्ल्ड वार के बाद जो फिलासफर्स हुए जो कंटेम्प्रेरी फिलासफर्स हुए वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट हुए अस्तित्ववादी हुए और उन्होंने खूब क्रिटिसाइज किया पीछे के फिलासफर्स को कि इन्होंने सिर्फ लॉजिक दिए बड़ी बड़ी बातें दी लेकिन मनुष्य को मनुष्य अपना जीवन कैसे जिए आदमी अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाए कोई टेक्निक देते वो कोई फार्मूला देते वो कोई क्रिया बताते वो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया सेंट्रिक फिलासफी डेवलप होनी शुरू हो गई वेस्ट के अंदर लेकिन उस ह्यूमन सेंट्रिक फिलासफी ने पीछे के तर्कों का त्याग किया और वो ह्यूमन सेंट्रिक हो गए तो लेकिन अरविंदो यहां पर इसलिए अरविंदो की विशेषता है अरविंदो सचिदानंद की बात कर रहे हैं सचिदानंद की बात कर रहे हैं उनकी फिलोसफी में डाइपोलर रियलिटी द रियलिटी हैज टू पोल्स सगुन निर्गुण है लेकिन फाइनली जो उनका जो 80 परसेंट जो फिलॉसफी का जो पार्ट है उनकी जो विचारधारा का जो अंग है वो ह्यूमन सेंट्रिक है वो इवोल्यूशन पर फोकस कर रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि तुम्हें कुछ मिल जाएगा और कोई चमत्कार हो जाएगा और कोई भगवान खुश हो जाएंगे तुम्हारी भक्ति से और चमत्कार आकर कर देंगे जैसे द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी तो कुछ ऐसा कर देंगे नहीं वो कह रहे हैं कि भैया तुम्हें अपना विकास करना पड़ेगा तुम्हें अपना कर्म करना पड़ेगा तुम्हें योग करना पड़ेगा और तुम्हें अपनी चेतना को विकसित करना पड़ेगा जब तुम अपनी चेतना को विकसित करोगे तो तुम्हें बहुत सारे अनुभवों से तुम गुजरोगे और उन्हीं उन्हीं के बारे में वो बताते हैं सुपरा मेंटलाइजेशन द सुपर माइंड व्हाट इज सुपर माइंड सुपर माइंड क्या चीज है मेंटलाइजेशन क्या है ये कैसे होगा तो एक हमारे योग का प्रोसेस है तो महर्षि पतंजलि को अगर आप पढ़ेंगे तो कंप्लीट जो योग सूत्र है वो सुपरा मेंटलाइजेशन का प्रोसेस है विभूति पात तक समाधि पात से विभूति पात तक सुपर माइंड को अचीव करने का ही तरीका बताया गया है और उसके बाद सुपर माइंड को क्रॉस कर कर सचिदानंद को कैसे प्राप्त करना है सचिदानंद वैसे सचिदानंद का अर्थ हम भगवान समझते हैं ईश्वर समझते हैं लेकिन फिलॉसफी में जो अरविंदो कहते हैं वो कहते हैं सचिदा मतलब प्योर कॉन्शियसनेस जो ब्लिसफुल है जो एक एक्सपीरियंस है जो एक आध्यात्मिक अनुभूति है वो अब ऐसी अनुभूतियों को भी जो है कई पार्ट में माना जाता है तो वेस्टर्न फिलॉसफी ने पाश्चात्य दर्शन ने उसको चार भागों में बांटा है कि जो एक्सपीरियंसेस कुछ लोगों को रिलीजियस एक्सपीरियंसेस होती हैं तो बौद्ध छपा करें वेस्टर्न नहीं बौद्धों में और साथ में योगशास्त्र में भी उसे चार रूप में देखा जाता है किस तरह से देखा जाता है एक है माइस्टिक एक्सपीरियंसेस होती हैं। माइस्टिक एक्सपीरियंसेस जैसे कि योगी जो है ध्यान की अवस्था में वननेस उस एक तत्व से जुड़ जाता है तो बड़ा आनंद का अनुभव करता है उसे माइस्टिक एक्सपीरियंसेस होती हैं फिर उसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी हो सकती हैं अर्थात पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस मतलब योगी एक ऐसी दुनिया में चला जाता है सूक्ष्म लोक तो सूक्ष्म लोक में रहने वाले जो जीव हैं तत्व हैं वो उनका भी साक्षात्कार कर सकता है उनसे भी मिल सकता है तो उसको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस भी कहा जाता है फिर कैरिज्मेटिक एक्सपीरियंसेस मतलब योगी के अंदर हीलिंग पावर आ जाती है वो दूसरों को हील कर सकता है दूसरों को बहुत सहायता कर सकता है तो एक कैरेजमेटिक एक्सपीरियंसेस भी आनी शुरू हो जाती है मतलब चमत्कारी ढंग से कुछ चीजें घटनी शुरू हो जाती हैं जब वो सुपर माइंड को अचीव करेगा तो सुपर मेंटलाइजेशन हो जाएगा तो फिर जो है रिग्रेसिव एक्सपीरियंसेस होती हैं कुछ एक्सपीरियंसेस होती है जिसको रिग्रेसिव एक्सपीरियंसेस बोला गया तो रिग्रेसिव एक्सपीरियंस क्या होता है वो होता है आपको एक नयापन जैसे एक नई जिंदगी शुरू हो गई जिसको कई लोग जो ध्यान योग सीखते हैं और ध्यान योग अच्छे से करते हैं तो वो कहते हैं कि अब मुझे लग रहा है कि मेरा नया जीवन शुरू हो चुका है मैं डेली ध्यान योग करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा लाइफ में बहुत मुझे फायदे हो रहे हैं जीवन मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है एक नयापन महसूस हो रहा है तो ये एक रिग्रेसिव जो है एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आना शुरू हो जाता है तो इस तरह के अनुभूतियां आनी शुरू हो जाती हैं अगर इस तरह की अनुभूतियां आनी शुरू हो जाए तो समझिए कि आप सुपर माइंड में पहुंच रहे हैं सुपर माइंड को आप अनुभव कर रहे हैं सुपर माइंड का एक्सपीरियंस आपको हो रहा है आप ऐसा समझ के चलिए ठीक है आप सुपर माइंड को अनुभव कर पा रहे हैं अगर आपको ऐसी अवस्था बनती है जहां पर आप अपने अस्तित्व को ही नहीं समझ पाते हैं अस्तित्व से परे चले जाते हैं आप एकदम ट्रांस समाधि की अवस्था शून्य अवस्था वननेस फील होता है उस उस रियलिटी के साथ आप एक हो जाते हैं शून्य हो जाते हैं आप अगर ऐसी अवस्था बनती है तो वो उसे माइस्टिक एक्सपीरियंस बोलते हैं कि ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं दिस द साइन ऑफ सुपर माइंड आप सुपर माइंड को अचीव कर रहे हैं कैसे पता चलेगा आपको यू आर गेटिंग इन द सुपर माइंड ठीक है तो ये सुपर माइंड के सिम्टम्स हैं आपके सुपर माइंड ऐसे होना शुरू होगा इंट्यूशन पावर बढ़ जाएंगी कई बार आप जो है पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसिस भी आनी शुरू हो जाती है इसमें ठीक है लेकिन वो पैरानॉर्मल यहां पर जो एक्सपीरियंस आती है जो योग से आती है वो वैसे मत सोच लीजिएगा कि, कि किसी को भूत प्रेत जैसे दिखाई देता है किसी के ऊपर भूत प्रेत आ जाते हो वैसे नहीं वैसी चीजें के लिए नहीं कहा जा रहा है यहां पर हाँ वो सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म योनि में रहने वाले जो जीव हैं उसमें देवता भूत प्रेत सब हो सकते हैं एक उन सब से अपनी शक्ति से वो इंटरेक्ट कर लेता है अपनी शक्ति से वो उनसे एक संबंध बना सकता है उनसे चर्चाएं कर सकता है ये उसकी एक साइकिक पावर है ठीक ना एक सुपर माइंड इसको सुपर माइंड कहा गया है अभी माइंड खत्म नहीं हुआ इसीलिए लेकिन जब ब्लिस होगा कल हमने स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन बताए थे आपको क्या क्या बताया था मैटर लाइफ साइकी फिर माइंड सुपर माइंड कॉन्शियसनेस और सुप्रीम एग्जिस्टेंस प्लिसानंद ये इवोल्यूशन के स्टेप है मैटर मटेरियल वर्ल्ड से जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें पहुंचने का मैटर टू स्प्रिट की जर्नी है ये तो ये चीज अरविंदो अपने मेंटलाइजेशन में बता रहे हैं तो मेंटलाइजेशन कैसे होगा उसका फर्स्ट स्टेप उन्होंने बताया है साइकिकाइजेशन साइकिकाइजेशन क्या है यू शुड नो वट इज योर माइंड अगर आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ोगे तो महर्षि पतंजलि शुरुआत में क्या बता रहे हैं मन के बारे में तो बता रहे हैं पंचवृतियों के बारे में बता रहे हैं कि पंच वृत्तियां होती हैं पंच क्लेश होते हैं मन के अंदर ये वृत्तियों का निरोध करना पड़ता है वो मन के परते खोल रहे हैं तो फर्स्ट हमें क्या करना होता है साइकिकाइजेशन करना होता है अंडरस्टैंड योर माइंड हाउ द माइंड वर्क्स या क्योंकि मन से ही सब कुछ है मन से सुख दुख सब कुछ मन से है टू अंडरस्टैंड योर माइंड साइकिकाइजेशन प्रोसेस ऑफ साइकिल साइकिकाइजेशन शुरू होना चाहिए तो प्रोसेस ऑफ इसीलिए वो एक लॉजिकल और एक ग्रेजुअल चीजों को बता रहे हैं कि आपको इवॉल्व होना कैसे है ठीक है कई लोग अरविंदो की फिलासफी पढ़ते हैं लेकिन बेचारे इन वर्ड्स में शब्दों में ही उलझ जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकेकाइजेशन व्हाट इज स्पिरिचुअलाइजेशन ठीक है, कई बार उन सबको उस तरह से और हिंदी में जब उसको ट्रांसलेट करते तो भी अर्थ समझ में नहीं आता तो महर्षि पतंजलि ने जो समाधि पाद और साधना पाद में जो चीजें बताई हैं वो क्या है वो साइकई जेसन है साइकिन जेसन है महर्षि पतंजलि समाधि पाद में कौन कौन सी चीजें बताते हैं जरा बताइए महर्षि पतंजलि समाधि पाद में बताते हैं सबसे पहले कि वृत्तियां योग क्या है योगस्तवृत्ति निरोध चलो ठीक है अब वृत्तियां क्या है तो पंच वृत्तियां बताई गई प्रमाण विकल्प विप्रय इस तरह से निद्रा और स्मृति ये पंच वृत्तियां अब इन वृत्तियों का निरोध करना है उसका अभ्यास करना है करने से क्या होगा समाधि की प्राप्ति होगी किस प्रकार की समाधि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात और कौन सा मेथड है मेथड है अभ्यास और वैराग्य अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोध अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेते ही डेवलप कर जाओगे और फिर तुम्हें असंप्रज्ञात समाधि और फिर संप्रज्ञात समाधि आनंद की प्राप्ति मतलब इंफॉर्मेशन माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं महर्षि पतंजलि माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो प्रोग्राम योर माइंड फॉर योगा हम यहां पर इतनी सारी बातें बताते हैं क्यों बताते हैं ये आपके माइंड की प्रोग्रामिंग है प्रिपेयर साइकोलॉजिकली बी प्रिपेयर टू डू योगा योग करने के लिए आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कीजिए सबसे पहले और मानसिक रूप से तैयार होने में आप जो है समझिए कि मन क्या चीज है मन कैसे काम करता है थॉट्स ऑफ वेव्स ऑफ थॉट्स कैसे काम करती हैं वो कैसे आती हैं जाती हैं हमें परेशान करती हैं हमारे डायरेक्शन को चेंज करती हैं कोई थॉट कैसे डोमिनेंट हो जाता है रिपीटिशन ऑफ थॉट्स मेक्स ए थॉट्स डोमिनेंट अगर एक ही फीलिंग एक ही विचारधारा बार बार आपके अंदर रिपीट होगी तो वो धीरे धीरे आपके ऊपर हावी हो जाएगी वो डोमिनेंट बन जाएगी फिर इसीलिए नेगेटिव थॉट्स के रिपीटिशंस को कंट्रोल करना जरूरी होता है ये सारी चीजें अपने कंट्रोल में लेना जरूरी होता है तो साइकाइजेशन इस प्रोसेस से पहले योगी को गुजरना पड़ता है फिर वो उसका ध्यान होगा फिर वो अपनी जो ओरिजिनल प्रैक्टिस है ध्यान योग की जो टेक्निक्स है उसको वो लागू करेगा और अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगा प्रैक्टिस करने से वो स्पिरिचुअलाइज होगा तो स्प्रिचुअलाइजेशन के स्टेप पे आ जाएगा वो साइकिकाइजेशन से स्प्रिचुअलाइजेशन के स्टेप पे आ जाएगा फिर जब वो लंबे समय तक अपना ध्यान का अभ्यास करता रहेगा सुपरा मेंटलाइजेशन सुपरा मेंटलाइजेशन अर्थात सुपर माइंड को अचीव करेगा वो सुपर माइंड को अचीव करेगा और जब सुपर माइंड को अचीव करेगा तो क्या होगा माइस्टिक एक्सपीरियंसेस आ सकती हैं पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं कैरिस्मेटिक एक्सपीरियंसेस भी आ सकती हैं चमत्कारी अनुभूतियां भी आ सकती हैं इसीलिए औरविंदो को माइस्टिक ऑफ पांडिचेरी ऐसा भी कहते हैं, ठीक है तो ऐसी एक्सपीरियंसेस मन अलग ढंग से काम करना शुरू करेगा प्रत्येक वस्तु के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बदलेगा चेंज आ जाएंगे उसमें प्रत्येक वस्तु के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी मनुष्य संसार में रहेगा ऐसा नहीं कि उसके उसकी संसारिक चीजें छूट जाएंगी लेकिन वो इवॉल्व कर चुका होगा तो अरविंदो कहीं पर भी थोपने की बात नहीं करते अरविंदो कहीं पर भी थोपने की बात नहीं करते अरविंदो कहीं पर भी हाँ एजुकेशन के बारे में अरविंदो ने बोला है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए लेकिन अरविंदो कहीं थोपते नहीं हैं कि तुम पहले नियम लागू करो नहीं इवॉल्व करो अपने आप को विकसित करो अपने आप को विकसित करो जब तुम अपनी चेतना को विकसित कर लोगे तो एवरीथिंग जो होना है वो अपने आप होगा जितने भी क्वालिटीज होने चाहिए जितने भी तुम्हारे अंदर सद्गुण होने चाहिए वो जबरदस्ती थोप कर नहीं लाए जा सकते वो तुम्हारे अंदर स्वयं आ जाएंगे तुम प्रैक्टिस पर ध्यान दो तुम अपने आप को पहले साइकिकाइज कर कीजिए अपने मन को तैयार कीजिए द फर्स्ट स्टेप इज द साइकिकाइजेशन द सेकेंड स्टेप इज द स्पिरिचुअलाइजेशन एंड द सुपरा सुपर माइंड को आप प्राप्त हो जाएंगे सुपर माइंड सुपर माइंड हम ऐसे ही और यही ध्यान योग का प्रोसेस है ध्यान योग का प्रोसेस है आप अपने आप को मन से और शरीर से दोनों से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए ध्यान करने के लिए प्राइमरी जो इसे हम कहते हैं ना प्राइमरी क्लासेस हम हायर लेवल का एजुकेशन ले सके साइंस मैथ्स और जोग्राफी फिलासफी जो हायर एजुकेशन है उनको हम समझ सके उसके लिए जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी होता है तो प्राइमरी एजुकेशन में व्यक्ति अक्षरों का ज्ञान करता है बालक बच्चा अक्षर सीखता है अल्फाबेट सीखता है सेंटेंस मेकिंग सीखता है लैंग्वेज सीखता है बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स तो एक प्राइमरी तो वैसे ही साइकिकाइजेशन इज द प्राइमरी एजुकेशन साइकिकाइजेशन इज द प्राइमरी एजुकेशन ऑफ सुप्रामेंटलाइजेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो इंटेग्रल योगा का पार्ट है तो अभी मैंने कहा था कि अरविंदो के दर्शन के तीन भाग है इवोल्यूशन इन्वोल्यूशन एंड इंटीग्रेशन इवोल्यूशन तो और इन्वोल्यूशन पर हमने कल चर्चा कर ली थी अब इंटीग्रेशन को वो समझाते हैं कि ये कैसे होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन से होगा और उसके स्टेप बाय स्टेप को समझा रहे हैं कि आपकी चेतना विकसित कैसे होगी उसका फर्स्ट प्रोसेस होगा साइकिकाइजेशन आप अपने मन को तैयार कीजिए बी प्रिपेयर मन की प्रोग्रामिंग कीजिए हाँ कुछ हमारे अंदर पिछले जन्मों के भी संस्कार होते हैं जिससे कि हमारा मन तैयार होता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके संस्कार ऐसे मजबूत नहीं होते तो उनको अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा साइकिकाइजेशन पर फोकस करना पड़ेगा तो धारणा धारणा से शुरू होगी बात फिर ध्यान होगा जब स्पिरिचुअलाइजेशन में ध्यान होगा फिर और फिर मेंटलाइजेशन जो इन तीनों से संयम जो होता है उसे सुपर माइंड मिल जाता है आदमी का माइंड सुपर माइंड हो जाता है फिर वो वो व्यक्ति अपने मन की शक्ति से बहुत कुछ जान लेता है बहुत कुछ समझ लेता है बहुत कुछ देख लेता है बहुत कुछ अनुभव कर लेता है और कई तरह के उसको अनुभूतियां आनी शुरू हो जाती हैं जैसे कि माइस्टिक एक्सपीरियंसेस आने शुरू हो जाएंगे उसको कैरिज्मेटिक एक्सपीरियंसेस आने शुरू हो जाएंगी जैसे कोई हीलिंग पावर एक अननोन हीलिंग पावर साथ में काम कर रही है ऐसी चीजें आ जाएंगी वो अपने और अपने भीतर कई सूक्ष्म तरंगों हैं उनका अनुभव करना शुरू कर देगा मन जो है बहुत सूक्ष्म स्तर पर उतर जाएगा और सूक्ष्म दृष्टि से देखेगा तो इन जो ये आंखें नहीं देख सकती हैं मन वो भी देख लेगा मन वो भी देख लेगा तो ये सुपर माइंड को अचीव करने के ये संकेत हैं ऐसा जब होने लगे तो समझो कि एक जो योगी है वो सुपर माइंड को अचीव कर रहा है शून्य में चले जाना जैसे कि शून्य के अलावा कुछ अनुभव नहीं हो रहा अपने अस्तित्व का भी भान नहीं हो रहा द तो वननेस विद द सुप्रीम रियलिटी उसका एक क्षण हाँ यह लंबे समय तक टिकेगा नहीं ये कुछ ही देर तक होगा लेकिन ऐसा अनुभव होना दिस इज अ माइस्टिक एक्सपीरियंस फिर हीलिंग पावर्स का अनुभव होना टिक एक्सपीरियंसेस होना पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस का होना ये सारे जो एक्सपीरियंसेस आते हैं दिस ऑल आर पॉसिबल इन सुपर माइंड ठीक ना और उसके सुपर माइंड के अंदर कई चीजें क्वालिटीज अपने आप आ जाती हैं टेलीपैथिक क्वालिटीज आ जाती हैं और कई तरह की चीजें उसकी माइंड काम करने लग जाती हैं स्वतः लेकिन योगी उसका लक्ष्य है चेतना को प्राप्त होना सचिदानंद को प्राप्त होना तो वो आगे बढ़ जाता है वो सुपर माइंड से आगे बढ़ जाएगा वो ब्लिस में जाएगा परमानंद का भोग करेगा और फिर उससे भी इसको भी संप्रज्ञात समाधि में महर्षि पतंजलि ने लिखा कि आनंद की अनुभूति होना भी संप्रज्ञात है असंप्रज्ञात नहीं है कैबल्य नहीं है उससे भी आगे बढ़ेगा और उससे आगे बढ़कर चेतना को प्राप्त हो जाएगा फिर परम चेतना को प्राप्त होकर एब्सोल्यूट रियलिटी को प्राप्त हो जाएगा तो ये प्रोसेस अपने इंटेग्रल योगा में बताया और इसके अंदर वो एक और थ्योरी दे देते हैं साथ में इसमें सब आ गया इसमें ज्ञान योग भी आ गया कर्म योग भी आ गया राज योग भी आ गया भक्ति योग भी आ गया इसमें सब आ गया इस प्रोसेस में सारी चीजें आ गई सारे योग आ गए इसके अंदर आप जो है मैटर टू स्पिरिट जाने में पदार्थ से सचिदानंद की यात्रा में सचिदानंद की प्राप्ति में आप जिन जिन अवस्थाओं से गुजरोगे उन सब में आपका संपूर्ण योग हो जाता है पहले ज्ञान योग गर्म योग चलता है फिर आप भक्ति योग प्रेम योग में उतर जाते हो फिर आप कैवल्य योग की प्राप्ति कर लेते हो कैवल्य योग मतलब कैवल्य अवस्था परम समाधि निर्बीज समाधि निर्बीज समाधि की प्राप्ति आप कर लेते हो आप ऐसी अवस्था में चले जाते हो तो ये एक प्रोसेस दे रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए और कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी तो मनुष्य का जीवन बदल जाएगा मनुष्य का जीवन बदल जाएगा और मनुष्य परम चेतना को प्राप्त करेगा ऐसा उसका जीवन हो जाएगा तो ये चीज होनी शुरू हो जाती है तो ये प्रोसेस ये प्रक्रिया श्री अरविंदो ने बताई है और ध्यान योग ध्यान योग का जो कोर्स चलता है वो इसीलिए है अब फोकस पॉइंट क्या है फोकस पॉइंट भगवान खुश हो जाएंगे प्रभु बड़े प्रसन्न हो जाएंगे और वो प्रसन्न हो जाएंगे तो हम पे कृपा कर देंगे जी नहीं ये फोकस पॉइंट नहीं है फोकस पॉइंट है अपनी चेतना को विकसित कीजिए डेवलप योर कॉन्शियसनेस इवॉल्व योर सेल्फ अपने आप को इवॉल्व कीजिए भाई अगर आप बदलना चाहते हैं समाज को बदलना चाहते हैं तो आप अपने आप को इवॉल्व कीजिए तो अरविंदो की अरविंदो के दर्शन में श्री अरविंदो के फिलासफी में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भगवान जी ऊपर बैठे हैं वो खुश हो जाएंगे बड़े प्रसन्न हो जाएंगे जी नहीं ऐसा कोई प्रयास या ऐसा कोई वर्ड अरविंदो नहीं लिखते हैं जहां पर वो ये लिख रहे हो कि आपके योग करेंगे तो वो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे जी नहीं ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है आप अपने आप को इवॉल्व कीजिए योग के माध्यम से और ध्यान योग हमारी चेतना को इवॉल्व करता है हाँ ठीक है अरविंदो ने अपनी साधनाओं में प्रेयर भी बताया है प्रार्थनाएं भी बताई हैं लेकिन ओवरऑल उनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो चेतना को विकसित करने के लिए हैं कि चेतना की अपूर्व यात्रा के लिए है वो इसलिए नहीं है कि कोई भगवान बैठे हैं हम उनको पूजा कर देंगे तो वो खुश हो जाएंगे और हम पर कृपा कर देंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा अरविंदों की विचारधारा इस इन सब बातों से नहीं भरी हुई है अरविंदों का जो इंटेग्रल योगा है या भक्ति है इंटेग्रल भक्ति भी वो बताते हैं फिर उसमें ये सब बातें नहीं हैं उसमें कुल मिलाकर पूरी तरह से एक ही बात को जोड़ देकर कहा गया है Evolution. अपनी चेतना का विकास करो अपनी चेतना को विकसित करो ठीक ना तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे तुम पर तो ऐसे ही कृपा हो जाएगी गुरु जी चुटकी बचाकर तुम्हारा कल्याण कर देंगे ठीक है तो किसी प्रकार के गुरुडम या किसी प्रकार के अंधविश्वास या किसी प्रकार की ऐसी बातें अरविंदो नहीं बता रहे हैं आप महर्षि पतंजलि को पढ़ोगे तो वो भी नहीं बता रहे ऐसी बातें आप आदि गुरु शंकराचार्य की विवेक चुड़ा मनी पढ़ोगे तो वो भी ऐसी बातें नहीं बता रहे हैं। कि कोई बैठे हुए हैं और आप पर कृपा करके खुश होकर कर देंगे और आपका काम हो जाएगा जी नहीं, नहीं बता रहे इसलिए भारतीय दर्शन की विचारधारा जो है उसके मूल को समझना है सेल्फ डेवलपमेंट इसीलिए जो तो भारतीय इंडियन फिलासफी है वो ह्यूमन सेंट्रिक शुरू से ही है अगर आप मीमांसा को लोगे तो कर्म की बात करें भाई कर्म अच्छे से करो ना तुम तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा तुम कर्म अच्छे से करो और इसीलिए वो कर्मकांड सिद्धांत तो पूरी तरह से ह्यूमन सेंट्रिक है मीमांसा जो है पूरी तरह से ह्यूमन सेंट्रिक है लेकिन वेस्टर्न फिलोसफी में ये बहुत बड़ी कमी थी कि वो एक आम मनुष्य को कुछ दे नहीं रहे थे तर्कों के अलावा लॉजिक्स के अलावा लॉजिक्स के अलावा वो आम मनुष्य को कुछ भी नहीं दे रहे थे मात्र तर्क प्रदान कर रहे थे हाँ तर्कों से एक आइडिया डेवलप हो जाता है तो जो फॉलोअर बन गया कांट का जो फॉलोअर बन गया वो एग्नोस्टिक हो जाया करता था क्योंकि कांट ने कहा कि गॉड कैनॉट बी नोन कोई गॉड को जान नहीं सकता तो दिस इज द एग्नोस्टिज्म ये एग्नोस्टिक विचारधारा है एग्नोस्टिक थॉट है यह गॉड कैनॉट बी नोन कोई गॉड को नहीं जान सकता तो लोगों ने बहुत यूरोप में लोग एग्नोस्टिक बनना शुरू हो गए बहुत सारे लोग एग्नोस्टिक बन गए तो विचारधारा को अपनाया और उन्होंने उस विचारधारा को उस लॉजिक को अप्लाई कर लिया अपने माइंड में लेकिन कोई भी चीज कोई भी हायर लेवल को अगर बताया जा रहा है जैसे कि एब्सोल्यूट रियलिटी के बारे में हीगल हीगल ने अपनी फिलॉसफी बताया एब्सोल्यूट रियलिटी लेकिन उस एब्सोल्यूट रियलिटी तक पहुंचना कैसे उसका कोई रास्ता नहीं दिखा रहा कोई मार्ग नहीं दे रहा है कोई पाथ नहीं दे रहा है तो इस तरह से प्लेटो भी बता रहे हैं ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है लेकिन कोई पाथ नहीं दे रहा है, एक सिंपल सा कहा जा रहा है कि थ्रू रैशनलिज्म हम ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड को समझेंगे ठीक लेकिन एक प्रॉपर पाथ नहीं दिया जा रहा है भारतीय दर्शन एक योग मार्ग देकर वो प्रॉपर प्रोसेस दे रहे हैं कि हाउ यू विल डेवलप योर कॉन्शियसनेस इसीलिए गुरु शंकराचार्य जब ब्रह्म की बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि ब्रह्म को लॉजिक से प्रूव किया जाएगा नहीं ब्रह्म प्रत्यक्ष है सत्य पूछो तो ब्रह्म ही प्रत्यक्ष है बाकी कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं संसार में ब्रह्म प्रत्यक्ष है और उसके लिए उन्होंने निधि ध्यास की विधि बताई अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो दृष्टव्यो निधि ध्यातव्यो इन चारों क्रियाओं में जो ध्यान है वही सबसे महत्वपूर्ण है सांख्य योग को श्वेतास्त्र उपनिषद में भी समझाया गया कि योग करना पड़ेगा ठीक है तो ये सारा सीन है एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं स्वयं अरविंदो बता देते हैं कि पाश्चात्य वहां पर जो फिलोसफी क्यों अरविंदो का तो सब पढ़ा हुआ था अरविंदो आईसीएस ऑफिसर थे वो और उस समय का आईसीएस क्लियर करना और आज में आज आईएएस क्लियर करने में बहुत अंतर है बहुत जमीन आसमान का अंतर है इंग्लैंड में जाकर परीक्षा देना और आईसीएस क्लियर कर जाना वो आईसीएस थे पूरे वेस्ट का कोई फिलासफर नहीं था जिसको वो ना जानते हो और जिसके बारे में उन्होंने ना पढ़ा हो सबके बारे में उन्होंने पढ़ा था सबको वो जानते थे कि सुकरात ने क्या कहा था प्लेटो ने क्या कहा था कांट ने क्या कहा था हीगल ने क्या कहा था वो सब जानते थे और कुछ फिलासफर के तो वो समकालीन थे तो वो सब जानते थे लेकिन क्यों उन्होंने वेदांत को ही चुना योग को ही चुना वो चाहते तो वेस्टर्न फिलॉसफी को भी उसी पर काम करते नहीं उन्होंने देखा कि वहां तो कोई समाधान ही नहीं दिया जाता कोई सोल्यूशन दिया ही नहीं जाता हां एक बहुत लंबी लंबी सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं लॉजिक्स की तर्कों की लेकिन कोई समाधान नहीं दिया जाता आदमी को कोई सोल्यूशन नहीं दिया जाता तो जो इंडियन फिलासफी है वो शुरू से ह्यूमन सेंट्रिक है वो शुरू से आदमी को बता रही है कि तुम्हें जीवन कैसा जीना है दिस इज द स्पेशल क्वालिटी एंड दिस इज द कंप्लीटनेस अरविंदो कहते हैं कि भारतीय दर्शन जो इंडियन फिलोसफी वो अपने आप में कंप्लीट होती है वो यहां से वहां तक की पूरी यात्रा ये नाप देते हैं सब कुछ बता देते हैं कि यहाँ से धरती से लेकर मटेरियल वर्ल्ड से लेकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक क्या क्या है कैसे कैसी अवस्थाएं हैं सारी सब कुछ बता देते हैं दिस वॉज द यूनिकनेस इसीलिए क्योंकि तो अरविंदो बचपन से उन्होंने ना भारत का इतिहास पढ़ा था ना शास्त्रों का अध्ययन किया था कोई संस्कार नहीं था उनको यहाँ का क्योंकि सात वर्ष की उम्र में उनके पिता जो है उनको लेकर इंग्लैंड चले जाते हैं और फिर चौदह वर्षों तक चौदह पंद्रह वर्षों तक वो वहीं पर रहते हैं इक्कीस बाईस साल की उम्र तक फिर उनको पता चलता है कि उनका देश जो है इस समय गुलाम है एक कॉलोनी है एक ब्रिटिश कॉलोनी है इंडिया उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है इस बात को सुनकर और वो वहीं से अपनी लड़ाई शुरू कर देते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ वहीं से अपनी लड़ाई वो शुरू कर देते हैं अरविंदो और, और फिर इंडिया आते हैं तो पहले जो वो भी भारत के बारे में वही सब चीज़ें जानते थे जो बाहर से लोग बताया करते थे तो उनको लगता था कि हमारा देश विचारधारा में बहुत पीछे है यहाँ शिक्षा की बहुत कमी है उनको ऐसा लगता था लेकिन जब वो यहाँ पर आए यहाँ पर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया उपनिषद पढ़े और जब उपनिषद पढ़े उपनिषद का इतिहास पढ़ा और योग शास्त्र और शास्त्रों का अध्ययन किया तो उन्हें लगे कि इस इस तरह से तो वेस्टर्न फिलोसफी इतनी गहराई में जाके बातें नहीं कर रही है और ये लॉजिक्स की बातें नहीं कर रही है हर चीज़ की प्रत्यक्ष होने की बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद अपने राजयोग में लिखते हैं इट इज बेटर टू बी एन एथेज देन टू बींग ए हेपोक्राइट ढोंगी बनने से बेहतर है तुम नास्तिक बन जाओ लेकिन ढोंग मत करो अगर ईश्वर है तो उसे जानो सिर्फ मानो मत सिर्फ मानने तक सीमित मत रहो तो ये ये बेस था भारतीय दर्शन का वेदांत का आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत का यह आधार था मानना आधार नहीं था प्रत्यक्षीकरण डायरेक्ट परसेप्शन तो ये चीज थी लेकिन डायरेक्ट परसेप्शन तक कैसे पहुंचेंगे उसका प्रोसेस उन्होंने बताया और वो प्रोसेस प्रूव होता है क्या कोई सुपर माइंड को अचीव कर सकता है जी हाँ बिल्कुल कर सकता है अगर सही तरीके से ध्यान योग करता है तो सुपर माइंड को अचीव कर सकता है नो डाउट ठीक है अब मैं ऐसा क्यों कहता हूं नो डाउट बिकॉज खुद में साधना करते हुए कई तरह की अनुभूतियों से गुजरा हूं और जो लोग मुझसे बात करते हैं मिलते हैं मेरे संपर्क में आते हैं वो खुद भी कई तरह की अनुभूतियों का प्रमाण जब वो बातचीत करते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं कई बार घट जाती हैं लोगों से कुछ बातचीत करते हुए ठीक है मिलते जुलते हुए तो ये सब तो ऐसी अवस्थाओं का आना ऐसी अवस्थाओं का मिलना यह निश्चय ही अवश्यम है इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि यह प्रत्यक्ष है जो भी सही विधि से ध्यान योग करेगा लगन से करेगा वो सुपर माइंड के स्टेट को जरूर अचीव करेगा इसमें कोई संशय नहीं वो इवॉल्व करेगा ही करेगा लेकिन जो ईमानदारी से करेगा तो योग इंटेग्रल योगा यह था और इंटेग्रेट हो जाता है एक अवस्था दूसरी अवस्था में जाकर इंटीग्रेट हो जाती है जैसे कि मटेरियल वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड क्या है जो फिजिकल बॉडी है हमारा शरीर है इसके स्तर पर जो हम जीवन जी रहे हैं हमें स्वादिष्ट भोजन चाहिए हमें शरीर के भोग चाहिए दिस इज द मटेरियल वर्ल्ड अब क्या होगा यह जो अवस्था है वो इसके आगे वाली अवस्था में लाइफ लाइफ में जाके इंटीग्रेट करेगी और जो लाइफ है वो फिर साइकी में जाकर इंटेग्रेट करेगा मतलब माइंड में जाकर इंटीग्रेट करेगा नॉर्मल माइंड में और नॉर्मल माइंड जो है वो सुपर माइंड में इंटीग्रेट करेगा कहने का मतलब क्या है जो नीचे की चीजें हैं वो वैसे के वैसे रहेंगी शरीर है तो शरीर ऐसा नहीं कि अगर आप मटेरियल से लाइफ में गए लाइफ से माइंड और माइंड से सुपर माइंड में गए तो कोई शरीर छूट छोड़कर जाएंगे जी नहीं सारे लेवल्स जो है इंटेग्रेट करते जाएंगे इंटेग्रेट करते जाएंगे और जब आप सचिदानंद तक पहुंचेंगे, जब आप तक पहुंचेंगे तो आप कंप्लीटली इंटीग्रेट कर जाएंगे आपकी फिजिकल बॉडी आपका आपका माइंड आपको आपकी साइकोलॉजी और आपका स्प्रिट जो थ्री फोल्ड पर्सनैलिटी है वो तीनों इंटीग्रेट कर जाएंगे फिजिकल पर्सनैलिटी साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी और स्पिरिचुअल पर्सनालिटी जो आपकी है वो तीनों इंटेग्रेट कर जाएंगी आपस में मिल जाएंगी तीनों तीनों एक रूप होकर एक तरह से काम करेंगी तो जब तीनों जिसके अंदर तीनों इंटीग्रेट कर जाती हैं, इज कृष्णा, वही कृष्ण है वही राम है जिसके अंदर ये तीनों इंटीग्रेटेड रूप में है मतलब उसकी फिजिकल पर्सनैलिटी अर्थात शरीर उसका मन और आत्मा तीनों का इंटीग्रेशन हो चुका है जो कंप्लीटली इंटेग्रेट हो चुके हैं वो सचिदानंद स्वरूप हो जाते हैं वही कृष्ण है वही राम है ठीक ऐसे लोगों के लिए फिर जो कंप्लीटली जो ऐसी रेयर पर्सनालिटीज होती हैं, जो कंप्लीटली इंटीग्रेट कर जाती हैं, ठीक है तो ये उन्होंने इंटेग्रल योगा के बारे में बताया हुआ है इंटेग्रेशन तो ये इवोल्यूशन है तो ध्यान योग का जो कोर्स चलता है इट इज टू इवॉल्व अपने आप को विकसित कीजिए अपनी चेतना को डेवलप कीजिए अपनी चेतना को इवॉल्व कीजिए यह ध्यान योग का कोर्स है इस उद्देश्य से ना कि कोई चमत्कारी हो जाएगा भगवान दिख जाएंगे तो भगवान कुछ प्रसादी दे देंगे आकर या कृपा कर देंगे कुछ कर देंगे क्या ध्यान योग इन सब चीजों पर फोकस नहीं करता है फोकस करता है आपकी चेतना के विकास पर इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस पर चेतना की अपूर्व यात्रा पर इसलिए इसका नाम ध्यान योग है और श्रोतास्त्रो उपनिषद में ध्यान योग ही समझाया हुआ है तो 19 तारीख से कोर्स है जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि 20 तारीख से शुरू होगा तो जो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 20 तारीख से 20 अगस्त से यह वीडियोस मिलनी शुरू होंगी आपको 20 अगस्त से आपका कोर्स स्टार्ट किया जाएगा ताकि आप जन्माष्टमी की व्यस्तता से हाँ ठीक है हर लोग उतने व्यस्त नहीं होंगे लेकिन एक से दो लोग भी अगर व्यस्त हैं क्योंकि तो एक दो लोगों ने ऐसा कहा है कि उस दिन हम ज्यादा व्यस्त रहेंगे तो एक दो लोग भी व्यस्त हैं तो उनका ध्यान रखते हुए तारीख को ही कोर्स की वीडियोस मिलनी शुरू होंगी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो सुन लें और जो ज्वाइन करने वाले हैं वो भी इस बात को समझ लें ठीक है तो तो आप 19 आप आप तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है डेट मतलब बीस तारीख के एक दिन पहले तक आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए वीडियोस 20 तारीख से मिलनी शुरू होगी तो ये ध्यान योग का कोर्स इसके साथ स्पिरिचुअल इस हीलिंग का कोर्स उन्हीं लोग के लिए जो ध्यान योग करते हैं दूसरों के लिए नहीं है कुछ लोग कहते हैं कि हम इस्पृ, सिर्फ स्पिरिचुअल हीलिंग करना चाहते हैं तो जी नहीं जिनको स्पिरिचुअल हीलिंग सीखना है उनको ध्यान योग का भी कोर्स करना पड़ेगा ठीक है यह चीज आप समझ ली इसलिए जुपिटर मेंबरशिप फोर थाउजेंड उसका शुल्क इसीलिए है क्योंकि उसमें दोनों कोर्स दो दो कोर्सेस उसमें मर्ज है ठीक है नेक्स्ट आगे क्या है प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी कोर्स जी हाँ प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स है वो भी साथ में बीस तारीख को शुरू होगा ट्वेंटी अगस्त को ही शुरू होगा तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत लाभदायक कोर्स है प्राकृतिक चिकित्सा नेचर इट्स ए ग्रेट फिजिशियन प्रकृति अपने आप में हमारी सबसे बड़ी चिकित्सक है डॉक्टर है तो खुद से खुद की चिकित्सा करें हम अपने से सीखें ऐसे टेक्निक्स को सही से सीखते हैं एक सिस्टमेटिक वे में ऐसे नहीं कहीं से कुछ ले लिया कहीं से उसमें गड़बड़ हो जाता है तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जो चीज़ें सीखनी होती हैं मात्र उन्हीं का एक सेट है वीडियोस का 27 सेवन वीडियोज हैं उसमें 27 लगभग एक महीने का कोर्स है ठीक है प्राकृतिक चिकित्सा का तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं वो भी बीस तारीख से शुरू होगा तो ये सारी चीज़ें हैं आप इससे लाभ उठा सकते हैं तो चलिए आगे देखते हैं आपके कमेंट्स अमन कक्कर जी बहुत अभिनंदन है सविता नायक जी नवजोत नाथ जी ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान के वक्त नाद सुनते हैं कभी ये बिना नाद बिना ध्यान लगाए भी सुनने में आता है ठीक है क्या जी बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं सुनाई दे रहा है बहुत अच्छी बात है कृपा है शंकर प्रसाद जी रविंद्र मखवाना जी राकेश मराठे जी हीलाल यादव जी अभिनी प्रधान जी बहुत अभिनंदन जगत नारायण जी विनोद के सूद शिखर शर्मा विनोद कुमार शर्मा रमेश पेशवानी आशा रानी श्वेता राय सिन्हा जी बहुत अभिनंदन है पवन कुमार गुप्ता जी जय हिंदू राष्ट्र उषा श्रीवास्तव जी गंभीर शाह बिमला शाह अर्जन भाई चौहान सतीश कुमार कन्हाई कुमार जलाराम राइका आर्यन कुमार राजू पाल मनीष जादव सुवर्ण गयवाड़ ऋकेश चौहान जी माधुरी कॉलेजी, कलिंद्र सेठ काशीनाथ ओम तत्सत गुरु जी प्रणाम ग्रुप से मेरा नाम कट हो गया है कैसे कट हो गया ग्रुप से नाम अचानक चलिए ठीक है आप अपना नंबर भेज दीजिए व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए उसमें देखा जाएगा और ऐसा कोई वो ग्रुप नहीं है ठीक ना यहाँ पर ग्रुप ग्रुप की क्योंकि कोई ऐसा ग्रुप नहीं है वो मात्र जो है जो ध्यान योग लोग जो करते हैं वो उन्हीं का समूह है जो दिनों ने ध्यान योग करते हैं वही सबका तो सबका नहीं है वो ठीक तो श्वेता कुमारी जी जो ध्यान योग के रिकॉर्ड में नहीं है ये ग्रुप उनके लिए नहीं होता है सनातन ज्ञान सचित और आनंद से मिलकर बना है फैसदानंद ऐसा आनंद जो कभी ना खत्म होने वाला हो जिसकी मात्रा अनंत हो और ऐसे आनंद भगवान की प्राप्ति के बाद ही प्राप्त हो सकता है भगवान की प्राप्ति के बाद ही भगवान की प्राप्ति का क्या मतलब है भगवान क्या चीज है भगवान क्या कोई फिजिकल एंटिटी है क्या है जब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे भीतर हूं अहम आत्मा गुडाकेश्र भूताश स्थित हे अर्जुन में सभी भूतों में स्थित आत्मा तो मैं ही हूं ज्योतिषाम शाम तज ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में हूं तो तुम अपने भीतर ढूंढने के बजाय भगवान को बाहर कहाँ ढूंढोगे तुम्हारी चेतना ही तो भगवान है उससे बड़ा कौन भगवान ठीक है कहां भगवान बाहर ढूंढोगे कृष्ण कह ही रहे हैं बात शिव यही बात कह रहे हैं शिव सूत्र में आप जो भी पूजा पाठ करते हो वो देव रूप में करते हो उनको देवता बनाकर करते हो आप लेकिन कृष्ण मार्ग दिखा रहे हैं अर्जुन को कि मार्ग क्या है भीतर जाने का वही ध्यान योग है वही ध्यान योग है ठीक है जी और ध्यान योग का ही छठे अध्याय में कौन सा मार्ग बताया भगवान कृष्ण ने श्रीमद भगवद गीता में तो यह समझना है तो जब आप लिखते हैं कि भगवान की प्राप्ति के बाद प्राप्त होगा तो वाट डू यू मीन बाई भगवान की प्राप्ति वट डू यू मीन बाई भगवान की प्राप्ति यह प्रश्न बन जाएगा ठीक है तो यह पहले समझना होगा मतलब पतंजलि ने यह लिखना भूल गए पतंजलि ऋषि यह लिखना भूल गए उनसे गलती हो गई कि भगवान की प्राप्ति होगी तब आनंद मिलेगा पतंजलि ने तो नहीं लिखा ऐसा कुछ आपको भगवान की प्राप्ति होगी तो आनंद मिलेगा ठीक है तो यह सब हमें बात समझनी चाहिए जब वो प्राप्ति की बातें करते हैं संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि तो वहां पर भगवान की प्राप्ति की बात नहीं कर रहे हैं हाँ लेकिन आनंद की बात कर रहे हैं कैवल्य की बात कर रहे हैं तो पहले ही अपने आप को ये क्लियर कीजिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय भगवान की प्राप्ति और जो आप समझते हैं वो कहां से समझते हैं आपके मन का अपना समझा है या गुरु जी ने बताया है या कोई वास्तव में शास्त्र में वो अंकित है ठीक है तो ये हमें इसीलिए सूत्र क्या करते हैं ऑर्डर नहीं देते तर्क देते हैं सूत्र क्या करते हैं तर्क देते हैं ऑर्डर नहीं देते हैं इसलिए किसी ने अभी पीछे मुझे कमेंट कर दिया वेदों की आज्ञा वेदों की कोई आज्ञा नहीं है नासदीय पढ़िए कहां वेदों में आज्ञा लिखा गया है वेदों की जो लैंग्वेज है वो इंस्ट्रक्टिव है ही नहीं आज्ञा देने वाली भाषा ही नहीं है हाँ दूसरे जो जो रिलीजियस होली बुक्स हैं उनमें आज्ञा वाली भाषा होती है ठीक है तो ये हमें समझना होगा और समझकर तब चलना होगा तो चेतना का विकास इसी से वो परमानंद तक पहुंचा जाता है विष्णुचंद्र मौर्या जी रतन सिंह जी शंकर प्रसाद जी सम मैजस्टिक से ड्रॉप द माइंड टू रियलाइज द रियलिटी आर दे रेफरिंग टू द वेरियस लेवल्स ऑफ द माइंड और माइंड एज ए होल ड्रॉप द माइंड टू रियलाइज द रियलिटी drop the mind to realize the reality this is a stage already this is a stage of sadhana where you can drop the mind but in normal state if you will dropping the mind it, it means you are leaving the mind to just go in the senses so you can't drop in this in the starting for a beginner yogi he can't drop the mind psychicization is the necessary process psychicization is the necessary process he should must know all the activities of mind weakness of mind and power of mind what is the power of mind what is the weakness of mind a yogi should must know then he will know then he will drop the mind then at the, there is a, a stage where a yogi can drop the mind in dhyana yoga when you learn Dhyan Yoga, what happens? There is a stage. In Pranayama Sadhana, there is a stage where you can drop your mind. But that is a gradual process. That is not just like you are sitting and dropped your mind. No, nothing like that. That is a gradual process. Through gradual process, through first practicing the Pranayama and then Pranayama Sadhana, the four steps of pranav sadhana then you will get that stage where you can drop the mind and there you can feel the trance you can feel the shunya you can feel the oneness with the absolute reality so suddenly you can drop the mind you can't say a beginner a yogi just drop your mind no this is not the process there is a step through practicing regular practice and that step if you are dropping your mind in that is the that mystic experience will come for seconds only for seconds again the flood of thoughts will come flood of feelings flood of thoughts will come and that will overpower overcome your mind overpower your mind so, ये चीज हो जाएगा इसीलिए ड्रॉपिंग द माइंड एक अवस्था है एक अवस्था आएगी जहां पर आप अपने मन को छोड़ दीजिए कुछ मत कीजिए उस अवस्था में जाकर वो चीज होगी ठीक है अचानक से नहीं कि फर्स्ट स्टेप आप बता देंगे कि ड्रॉप योर माइंड तो दैट विल बी नॉट गुड आर दे रेफरिंग टू द ड्रॉप आर सेकेंड थिंग थ्रू नाद ध्यान अगर नाद ध्यान अच्छे से जैसे कि अभी नाद ध्यान की चर्चा हुई किसी ने कहा कि मुझे नाद सुनाई देता है सविता नायक जी ने कहा तो जो नाद ध्यान जब अच्छे से होता है तो माइंड अपने आप ड्रॉप करता है अपने आप शून्य में जाता है सो जब भी हम बातें करते हैं सभी भाई साहब ने कहा कि भगवान की प्राप्ति के बाद आनंद होगा भगवान की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भगवान की प्राप्ति तो so, यहां पर यह बात आ जाएगी व्हाट इज हाउ वुड यू अंडरस्टैंड ड्रॉप द माइंड ओके नो नीड टू ड्रॉप द माइंड बट नीड टू प्रैक्टिस साधनाज डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साधनाज डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन प्रणव साधना देन यू विल गेट द स्टेप एक ऐसी अवस्था प्राप्त करेंगे जहां पर अपने आप मन जो है शून्य की ओर चला जाएगा कोई चीज उसका कोई ट्रैक नहीं होगा ट्रैकलेस हो जाएगा नहीं तो उसके पास ट्रैक है वो हमेशा किसी न किसी ट्रैक पे रहेगा पंचवृत्ति प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृति आप देख लो जब भी आपका मन इन पंचवृत्तियों में ही रहेगा ये फाइव ट्रैक्स है उसके पास वो हमेशा इन पंच वृत्तियों में रहेगा मन जो है तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं लगा रहेगा तो जब तक व्यक्ति सही से क्लियर नहीं होगा तो वो ड्रॉप माइंड को कुछ और ही समझ सकता है कुछ गलत भी समझ सकता है और गलत समझ लेगा तो फिर गलत प्रैक्टिस करेगा गलत प्रैक्टिस करेगा तो गलत प्रैक्टिस करेगा तो वो अच्छी चीज नहीं है फिर निति सिन्हा जी संदीप अरोड़ा जी अशोक गोयल रचना जी ट्रू इंडियन गुरु जी कोर्स की ड्यूरेशन एक मंथ है तो डेली कितना टाइम देना होगा एक घंटा दे दीजिए डेली वन आवर दे दीजिए पर्याप्त है उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी घर में क्या दो मंदिर बना सकते हैं अगर कोई बहुत मजबूरी हो कृपया बताएं आप देख लीजिए एक घर की क्या स्थिति है बना सकते हैं घर की स्थिति के अनुसार राम निवास मीना जय श्री कृष्ण जी सृजनी महंता अशोक माली स्मिता सावंत विष्णुचंद्र मौर्य चितरंजन बरुआजी व्हाट इज इंटेग्रल भक्ति प्लीज एक्सप्लेन इट इज द सेम नॉट डिफरेंट फ्रॉम इंटेग्रल योगा ओके इंटेग्रल भक्ति इज द लिटिल बिट हाइयर स्टेप अकॉर्डिंग टू इंटेग्रल वेदांता जो इंटीग्रल वेदांता का प्रोसेस है इंटीग्रल योगा का प्रोसेस है जैसे मैंने बताया कर्म योग, ज्ञान योग राज योग और भक्ति योग आ जाएगा फिर अपने आप आ जाएगा इन सबको इंटीग्रेट कर दिया इन सबको अरविंदों ने श्री अरविंदो ने इंटीग्रेट कर दिया ठीक है तो दैट विल बी इंटीग्रल भक्ति रजनी महंता आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला ठीक है विंदेश्वरी मिश्रा जी बहुत अभिनंदन है सृजनी जी अनिमेश महतो जी सविता नायक जी जितेंद्र साहू चंद्रेश्वर पांडे बलवंत सिंह गोहिल आयुर्वेदिक रमेश यादव सीमा ठकुरेला मिथिलेश सिंह लखेंद्र राम संदीप अरोड़ा घर में रोज हवन कैसे करें टाइम कम हो तो छोटा सा अग्नि हो तो कभी भी कर सकते हैं नहीं तो सुबह सुबह कर लीजिए आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक नमस्ते डीएमआईटी टेस्ट का कोर्स होता है क्या ये डी एम आई टी टेस्ट क्या होता है जी तो पता नहीं हमको तो ध्यान योग का कोर्स होता है नेचुरोपैथी का होता है आगे भविष्य में और भी कोर्सेस होंगी तो वो आपको बताए जाएंगी योग के ऊपर अभी बहुत सारे कार्य शुरू करने हैं तो वो बाद में आपको मिलेंगे वो होंगे धीरे धीरे शुरू होंगे समय है अभी उन सब कोर्सेस के लिए और भी सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी शुरू होगा जो लोग अच्छे से कोर्स करेंगे उनको सर्टिफाई करने का भी एक प्रोसेस शुरू होगा बाद में यह चीज़ें सामने आएंगी अभी उसकी कुछ उसके पहले बहुत सारी औपचारिकताएँ बहुत सारे, सारे कार्य करने होते हैं वो सब चल रहा है ठीक है इसी के साथ विराम देंगे जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पाँच दिन है पंद्रह अगस्त है और आप सबों को सभी को स्वतंत्रता दिवस की पचहत्तरवीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं और महर्षि अरविंद के एक सौ पचासवें जन्म उत्सव बर्थ एनिवर्सरी की शुभकामनाएं महर्षि अरविंदो श्री अरविंदो महर्षि अरविंदो वो उनके 150 वर्ष आज से 150 वर्ष पहले अठारह 15 अगस्त अठारह में उनका जन्म कोलकाता में हुआ था और उन्हीं की विचारधारा उन्हीं की फिलासफी उन्हीं के इंटीग्रल योगा पर हम चर्चा कर रहे थे उनके दिए हुए तर्कों से ही हम बातों को समझ रहे थे ठीक है और तो मानव को उन्होंने महत्व दिया मानव विकास को उन्होंने महत्व दिया ह्यूमन डेवलपमेंट को उन्होंने महत्व दिया इसीलिए वो ह्यूमन थोड़ा ह्यूमन सेंट्रिक होकर बातें करते हैं और वो जरूरी है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी चेतना का विकास करे क्योंकि तो विकसित चेतना के लोग ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं नहीं तो जिनकी चेतना विकसित नहीं है पदार्थ में लीन है मटेरियल वर्ल्ड में लीन है मतलब गिरी हुई है तो वो पदार्थों का ही अनुभव करते हैं और उनकी संपूर्ण आसक्ति उन्हीं पदार्थों में बनी रहती है तो वो उससे विकसित ही नहीं हो पाते हैं तो उनका ज्ञान भी विकसित नहीं हो पाता है तो इसीलिए ध्यान योग ध्यान योग का कोर्स जो यहाँ पर ऑनलाइन चैनल के माध्यम से चलता है उसका उद्देश्य है चेतना का विकास इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस वास्तव में वही चीज होगा तो योग होगा अगर वही होगा तो भक्ति होगी अगर चेतना का विकास नहीं हो रहा तो ना योग हो रहा है और ना भक्ति हो रही है ऐसा समझना चाहिए अगर चेतना का विकास नहीं हो रहा तो ना योग हो रहा है ना भक्ति ही आगे बढ़ रही है तो योर कॉन्शियसनेस शुड इवॉल्व और जो यूथ है जो आज का युवा है जो युवा है उसे समझना चाहिए योग क्या है और योग करने से हमें लाभ क्या मिलता है हम सुपर माइंड को अचीव करते हैं सुपरा मेंटलाइजेशन के प्रोसेस से जुड़ जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि युवा अधिक से अधिक जुड़कर अपने कुछ लोग युवा हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कुछ जॉब कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई उनकी हो चुकी है इंजीनियरिंग वगैरह करके जॉब करने में लगे हुए हैं तो आप हैं जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ को बेहतर बनाइए पैसा तो आपने कमा रहे हैं आप लेकिन फिर भी लाइफ में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्शियस इवोल्यूशन हम अपनी कॉन्शियसनेस को हम अपने माइंड को इवॉल्व नहीं करते हैं मन को इवॉल्व करना है मन को सुपर माइंड की ओर जाना है और ये कैसे होगा इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू ही संभव है तो युवा जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करें और कोर्स को ज्वाइन कर कर इसका पूरा पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें तो चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहें बने रहें और जो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पर आप इसमें जो नंबर दिया हुआ है नीचे में पीले रंग में लिखा है कॉन्टैक्ट नाइन डबल सिक्स वन एट ज़ीरो टू फोर फाइव नाइन ठीक है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं चाहे आपको प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स करना है तो उसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं और ध्यान योग की कोर्स का भी जानकारी आप ले सकते हैं तो इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं बहुत बहुत आभार आप सभी का